चीज़ तो अच्छी होती है कि अपना खुद को फील करते हो, खुद को इन्जॉय करते हो, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है बट मज़ा आता है पूरा इन्जॉय करने में। न्यू एक्सपीरियंस मिलते हैं, नई नई जगह देखने को मिलती है, क्योंकि कल हो ना हो जो आज है उसको जीते ना। चलिए अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं, देन मिलते हैं थोड़ा सा रेडी होके पैकअप करके, फिर बात करते हैं थोड़ा सा, देन उसके बाद सीधा बाइक पे मिलते हैं। बाहर का व्यू है, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, ठंड है यहाँ पे थोड़ी सी, नीचे रिवर है एंड अल्पाइन पूरा ट्री और पीछे माउंटेन, मतलब अल्टीमेट जगह पे होटल है। ये नो की न्यू प्रॉपर्टी है कोसानी से 20-30 किलोमीटर पहले। सो अभी मेरा क्या प्लान है, मेरा प्लान है यहाँ से सीधा मुंशियारी जाने का, तो यहाँ से 5-6 घंटे दिखा रहा है मुंशियारी के, तो उन 5-6 घंटे में मुंशियारी पहुँचेंगे, 6-7 घंटे लग जाएंगे, जो कि 12 बजे तक मैं पहुँचूँगा। मुंशियारी पहुँचने के बाद वहाँ पे एक स्टे लेंगे, देन वहाँ से ट्रैक करेंगे हम अपना खालियाल टॉप के लिए। खालियाल टॉप के बाद हम वापस गेट बैक टू मुंशियारी स्टे करेंगे, देन कल के लिए निकलेंगे हम दिल्ली के लिए वापस। तो अभी ये मेरा प्लान है, बाकी देखते हैं इस प्लान में कितना एग्जीक्यूट होता है, कितना टाइमली हम पहुंचते हैं, कहां कहां रुकेंगे। अभी क्या, अब रेडी हो जाते हैं, पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं, बाइक निकाल कर बाइक पर लगेज रेडी कर देते हैं और निकलते हैं, फिर आगे की जर्नी कम्प्लीट करते हैं मुंशियारी तक की। जय माता दी। चलो भाई यहाँ से निकल रहे हैं अब हम मुंशियारी के लिए, बाय बाय JBB होटल। बहुत प्यारी प्रॉपर्टी थी, सुबह के 7 बज चुके हैं, 7:10 हो चुके हैं और यहाँ से है 200 किलोमीटर का आज बाइक राइड, तो 200 किलोमीटर इतनी हैक्टिक नहीं है मेरे लिए, बट हाँ जो जिस ट्रैक पे मुझे जाना है वो ट्रैक बहुत स्टीप है, वहाँ पे 12 किलोमीटर का ट्रैक है, तो वो जो ट्रैक करना पड़ेगा मुझे विच इज़ राउंड 8 आवर ट्रैक। बाकी भाई रात को बहुत आराम से सोया मैं, थकान सारी उतर गई, ऑल दो मैंने रात को दवाई ले ली थी, तो मेरी जो कफ और फीवर था वो भी उसमें भी आराम है। रात को सही होटल मिल गया, सही प्रॉपर्टी मिल गई मुझे। वैसे मैं रात को बाइक राइड कर लेता लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया कि रात को ज़्यादा बाइक राइड करनी नहीं चाहिए, प्रेफर नहीं करता मैं रात को। प्लेन रोड है ठीक है, माउंटेन का कुछ पता नहीं होता, सो इसीलिए मैं एक्चुअली ट्राईपॉड नहीं लेके आया, ट्राईपॉड कैरी नहीं करके आया, तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो क्रिएट करने में अपनी सोलो में। बहुत से पॉइंट ऐसे आते हैं जहाँ पे बंदों को मुझे फ़ोन पकड़ाना पड़ रहा है कि भाई ऐसे वीडियो बना दो, वो फोटो वीडियो हो नहीं रही है सही से ना, तो मेरे को ट्राईपॉड परचेज़ करना ही पड़ेगा कहीं आस पास मिलता। सामने का व्यू देख रहे हो आप, वाओ अल्टीमेट। मुझे क्या है ना, मुझे अभी अपनी बाइक में चैन ल्यूब भी कराना है और चैन टाइट भी करानी है, क्योंकि ढीली हो गई है चैन, आज पहला नवरात्रा भी है। मैं ना अपनी मैकबुक भी लेके आ रहा था जिससे मैं एडिटिंग वगैरह भी कर लूँ रात को, बट टाइम ही नहीं मिलता। जय माता दी, थकान इतनी हो जाता है कि एडिटिंग करो अपलोड करो वीडियो वो नहीं हो पाता, इट्स नॉट पॉसिबल। सो एनीवेज हम करेंगे एक टाइम के बाद ऐसा भी। अभी क्या है ना, कैरी करके लाओ मैकबुक टूट टाट जाए, बारिश से भीग जाए, सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, सो इसलिए मैं घर पे ही छोड़ के आ गया कि एडिटिंग घर पे जाकर रिलैक्स मूड से करेंगे तो अच्छी एडिटिंग होती है। अगर मैं रात को कोसानी जाता तो मुझे 161 किलोमीटर की बाइक राइड करनी होती मुंशियारी के लिए, जो कि यहाँ से कोसानी है अभी 40 किलोमीटर। अगर मैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट ले लेते हैं, सो दैट यहाँ पे क्या होगा ना, बॉडी भी रिकवर हो जाएगी, इनफ टाइम था मेरे पास। रात को 8 बजे चेक इन कर लिया था मैंने, 8:15 बजे, सो मैंने बॉडी को रेस्ट भी दे दिया
और मैंने कहा रात को राइड भी नहीं कर सकते, तो ठीक था ओवरऑल। वैसे कितना अच्छा होता है ना अगर हमारे फ्रेंड भी ऐसे बाइक राइड पे आए अपनी अपनी बाइक लेके, मज़ा ही आ जाता है उनके साथ बाइक राइड करने में। बट वो है ना, सिचुएशन के हिसाब से होती नहीं है कुछ चीज़ें। तो ओवरऑल मेरे तो फ्रेंड ऐसे है ही नहीं जो मतलब जो बाइक राइड करने के लिए इतनी दूर दूर आए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। मैं तो एक्साइटेड हूँ खालियाल टॉप पे मुझे कैसा व्यू मिलने वाला है, क्योंकि खालियाल टॉप बहुत ऊंचाई पे है और वहाँ से जो बादलों का व्यू दिखता है वो क्लियर बादल नीचे दिखते हैं और ऊपर से ऐसा लगता है कि आप स्विमिंग कर लो। बट ऑल्सो स्विमिंग हो नहीं सकती है, लेकिन मन करता है पूरा स्विमिंग करने का। जैसे मैं कल रात बाइक चला रहा था ना, तो जैसे ही अंधेरा आ रहा था, बिल्कुल अंधेरा आ जा रहा था, तो घबराहट सी हो रही थी कि भाई पीछे से कोई आना जाए, कोई भालू ना आ जाए, कोई चीता ना आ जाए, कोई कुछ ना आ जाए, तो डर सा लग रहा था। तो मैंने कहा रेस्ट ले लेते हैं क्यों रात को राइड करनी। हल्की हल्की धूप आ गई है, धूप देवता जय हो कहाँ गया, को कल की फिक्र सताती वो बस आज का जश्न बना, संभलता मस्ती में चलता था। मैं सोमेश्वर आ गए, सोमेश्वर से आगे देखना है मुंशियारी के लिए रास्ता कितनी दूर है। सोमेश्वर जो है कोसानी से 10 किलोमीटर बैक साइड पे है, तो 10 किलोमीटर बाद मुंशी कोसानी आ जाएगा, देन उसके बाद आएगा मुंशियारी। जिस बात का डर था वही हुआ, ऑफ रोडिंग हो गई, 5 किलोमीटर से ऑफ रोड चला रहे हैं हम, और वो पीछे रास्ते वहाँ तक जाना, इस पहाड़ को पीछे पार करना, और मौसम भी ख़राब हो चुका है। सबसे ज़्यादा पंगा पता इसी में आता है ऑफ रोड में ना, बाइक की भीड़ बच जाती है। पूरा ऑफ रोड है ये, सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। मज़ा तो आता है बट ये ना बॉडी में पेन हो जाता है, इससे बम पेन करने लगते हैं, बम बम बम। अब पता नहीं कहाँ तक होगा, कहाँ पक्का रास्ता आएगा, कहाँ बाइक थोड़ी स्पीड में चलानी पड़ेगी। ये उड़ी बाबा। पर भाई कभी सोचते हो मतलब, जैसे मैं भी पहले बाइक राइड नहीं करता था, एकदम से मेरे को चस्का चढ़ा बाइक लेते हैं और बाइक राइड करेंगे, तो अगर मन करता है ना आपका तो भाई कर डालो भाई, सोचो मत, क्योंकि जो है अभी है, बाद में कुछ नहीं पता। तो ये मत सोचो कि कल जिएंगे, जो करना है कर डालो भाई। अगर इफ यू वांट टू डू अ बाइक राइड सो डू इट टुडे, आज करो भाई, और इस चीज़ को एंजॉय करो। जैसे मैं भी एंजॉय करता हूँ बाइक राइड करना, एंजॉय करता हूँ मैं वीडियो बनाना, एंजॉय करता हूँ व्लॉग बनाना, उसको एडिट करना, फिर यूट्यूब पे अपलोड करना उस चीज़ को, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब मुझे लगता है कि हाँ भाई कुछ है मेरे पास मेमोरी के नाम पे। तो आजकल फ़ोन भी, अगर बाय चांस फ़ोन में रहते हैं फ़ोटोज़ वीडियोज़, तो चोरी हो गया तो सब डिलीट हो जाते हैं। सो इसलिए भाई अगर है आपका मन और आप करना चाहते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं है यूट्यूब के अंदर, वीडियो एडिटिंग के अंदर कुछ नहीं है, लोग हवा बनाते हैं इस तरीके से उस तरीके से, बट बहुत इजी है भाई बनाना। मतलब उस पर व्यूज़ आने ना आने वो डिपेंड करता है, बट हाँ वीडियो बनाना, उस चीज़ को एंजॉय करना, वो चीज़ करो यार। व्यूज़ लाइक आना ना आना वो किस्मत की बात है, क्योंकि वो सब किस्मत पे ही होता है, आप कितना ही हार्डवर्क कर लो, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई इफ़ यू वॉन्ट। डोंट थिंक फॉर टुमोरो। अभी बागेश्वर आ चुके हैं, बागेश्वर, ये उत्तराखंड वाला बागेश्वर है।
अंकल ट्राईपोर्ट मिल जाएगा, ट्राईपोर्ट ट्राईपोर्ट ट्राईपोर्ट, ये तो रहा ये वाला होगा ट्राईपोर्ट। हाँ तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं, दे दो बस यही चाहिए था। हाँ मिल गया फाइनली भाई, मिल गया है ट्राईपोर्ट अपने को अब। बट भाई बता रहे हैं कि भाई जा तो नहीं सकते वहाँ पर यार, मुझे 2 दिन रुकना पड़ेगा, यानी मुझे सैटरडे सुबह निकलना पड़ेगा। देखते हैं, चलो जी जय माता दी, फाइनली मिल गया। तो वीडियो वगैरह नहीं बन पाती, सोलो में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है मुझे, यहाँ से मुंशियारी पूछते हैं और भगाते हुए चलते हैं मुंशियारी। मिल तो यहाँ पे भी जाता ट्राईपोर्ट। कितना टाइम लगेगा? खालियाल टॉप जाना है मुझे, आज ट्रैकिंग करने देंगे? हाँ 9 बजे, 9 बजे रहे ना भी 10 11 12 आप पहुंच गए वहाँ अभी घंटे 4 घंटे 5 घंटे का तो 3 घंटे का रास्ता है यहाँ से। लेकिन खालियाल टॉप पे ट्रैक कब तक करने देते हैं? कल ही जाना, आज नहीं जाने देंगे? नहीं बैठ पाओगे ना यार? नहीं हो तुम चले जाओ आज, रुकना पड़ेगा आज। और ऊपर रुकने का है जुगाड़ है? होटल ठीक है, फिकर मत करो, सीधा चले जाना। ठीक है, आप बेड नहीं बैठ पाए ना, और लगेज रख रखा है ना, कोई नहीं चलो दिल्ली। तो फिर मैं उसी हिसाब से बाइक चलाऊ ना, अगर नहीं जाने देंगे तो आराम आराम से जाता हूँ वहाँ तक। देखिए जाओ जल्दी, वो आपको पहुँचना वही, मुझे पता है शाम को पहुँचोगे। हाँ जल्दी बताओ, आपको शाम को पहुँचना 6 बजे तक, नंबर ट्रैक पहुँचना था। ये बताओ 100 किलोमीटर यहाँ से? 129 है। हाँ 129 किलोमीटर बताया। हाँ क्योंकि हमारा दूर है ना, हमारा घर थोड़ा जो मुंशहरी से इधर को काटने लग रहा है। ठीक है तो भाई अब चलते हैं अपन आराम आराम से, अब की टेंशन है। आज है थर्सडे, कल फ्राइडे को करेंगे अपन ट्रैक, एंड सैटरडे को वापस दिल्ली के लिए निकलेंगे। पहाड़ों तक चढ़ जाऊँ, ट्रैकिंग वगैरह तो की हुई है, लेकिन वो यार रात का सफ़र नहीं करूँगा, रात को नहीं चढ़ूँगा। हाँ ट्रैकिंग की भी है ऊपर, खालियाल पे रुकने की है जगह? मैं दूसरी बार आ रहा हूँ मुंशियारी, दूसरी बार आ रहा हूँ। पहले आया था तब बारिश का मौसम था, अगस्त में आ गया था, फिर उन्होंने बोला आप अगस्त में मत आना, आप आना अक्टूबर में, बारिश नहीं मिलेगी। अच्छा चाय बन गई या बता रहे हो? ये दाल है हाँ। खीर लग रही है लेकिन ये नहीं, ये भटके डुबके, भटके डुबके पहाड़ी डिश। पराठा सुबह का और हरी सब्जी, हरी सब्जी दे रहे, ये हरी सब्जी वाह, भांग की चटनी
भांग की चटनी? इधर है भांग की चटनी। ये नशा करती है? नहीं, ये भांग की चटनी चावल के साथ खाया जाता है, दिन में लंच में चलता है। अच्छा, ठीक है। दोबारा पराठे खा लिए, भूख लग रही थी। अब यहाँ से निकलते हैं मुंशियारी के लिए, और आज खाली वाला टॉप नहीं हो पाएगा, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से पहुँचेंगे और मुंशियारी में स्टे लेंगे, देन आगे फिर कल चलेंगे खाली वाला टॉप। चलो जी, निकलते हैं अब यहाँ से। फ़ायदा नहीं है जल्दी जाके भी ना, अब जल्दी जाएंगे तो भी लेट पहुँचेंगे। खालियाल टॉप का जो डिस्टेंस है वो है 12 किलोमीटर का ट्रैक। अब रुकेंगे सीधे बिरथी, जहाँ पे करेंगे अब अपना लंच। रोड बड़े प्यारे हैं, बट आगे जो है ना कांडा एक जगह है, ये कांडा गांव है एक, उस गांव के बाद जो है ऑफ रोड चालू हो जाएगा, तो वहाँ से तो और भी ज़्यादा डिस्टेंस लगेगा, क्योंकि प्लेन रोड पे तो बाइक आराम से चल जाती है, लेकिन ऑफ रोड पे बाइक थोड़ा सा डिले करती है, बाइक की स्पीड नॉमिनल रख के चलानी पड़ती है बाइक। बाकी अभी तो पूरे व्यू अच्छे हैं, धूप आ गई हल्की हल्की, सुबह ठंड लग रही थी बट अब हल्की हल्की यू नो मज़ा सा आ रहा है हल्का हल्का। अभी क्या भाई, अभी हमने चैन लूप करा लिया है और चैन टाइट भी करा लिया है, सो मुझे लग रहा है ये ना मेरे ब्रेक पैड घिस चुके हैं, तो चेंज कराने पड़ेंगे नेक्स्ट टाइम घर जाके ना, ये चेंज कराने पड़ेंगे। बैक इशू, ये भी फट गया पूरा, ब्रेक पैड घिस चुके हैं। हमने चैन ल्यूब और चैन क्लीन दोनों करा लिए। अब निकलते हैं आगे, यहाँ से 101 किलोमीटर है, मुंशी आ रही है बेबी। चलिए स्टैंड, भाई ये वाला पहाड़ देख रहे हो, ये वाला रास्ता क्या डेंजर है। नीचे बहता पानी, ऊपर बाइक की नानी, निकल गई। क्या डेंजर रोड है, वाओ 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 वाओ, पहाड़ की कटिंग करके रोड बनाया है, मुझे लग रहा है। थार आ रही है सामने से, क्लोजली लेके गया, क्लोजली। सामने से आने वाले व्हीकल को हमेशा जगह दे दो, ज्यादा पंगा नहीं होता बाइक चलाने में। वाओ क्या व्यू है, ऋषिकेश की याद आ गई। बड़ी प्रणाम प्रणाम। मुंशियारी कितनी दूर है? बहुत दूर है, बहुत दूर है। और बिरथी, बिरथी दिख जाएगा? ठीक है, धन्यवाद। दूर है, दो तीन घंटे। वो दो तीन घंटे, वाह भाई वाह, मतलब दो तीन घंटे का और स्ट्रेच मारना पड़ेगा, रात ही हो जाएगी भाई पहुंचते पहुंचते। तो भाई बारिश पड़ने लगी है और मैं आ गया हूँ खालियाल की जगह अभी बिरथी वाटरफॉल देखने, तो बिरथी वाटरफॉल दिखाता हूँ मैं आपको। लास्ट ईयर भी मैं आया था यहाँ पे, बारिश पड़ रही है हल्की हल्की, तो बिरथी वाटरफॉल दिखाता हूँ जो मैंने दिखाया था अभी। 1 2 3 ये है बिरथी वाटरफॉल, थोड़ा पास जाके देखते हैं इसको।
हल्की हल्की बारिश आने लगी, भीग गया थोड़ा सा है, एक जगह टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट ले लेते हैं। घायल अभी यहाँ से 35 किलोमीटर है तो मुझे अभी एक घंटा और लगेगा। सो अभी पहले ये देखते हैं फिर आपको दिखाते हैं कैमरे। तो लास्ट टाइम आया था ना तो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था यहाँ पे, सो इन्होंने ग्लास का पूरा शेप दे दिया है जिससे आप और हम आराम से इस चीज़ को देख सकते हैं, वाटरफॉल को। ये वाटरफॉल डर नहीं लग रहा है? देख इधर, देखो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। डर नहीं लग रहा? कैसा लगा फिर थी वाटरफॉल है? हाँ तो ये पूरा वाटरफॉल। अब यहाँ से चलते हैं मुंशियारी और मुंशियारी स्टे लेते हैं और कल चलते हैं खाली आल्टो। ये भी ब्लॉगर है। मैं हूँ दिया ब्लॉग से मुंशियारी। कहाँ से? मुंशियारी से हूँ। मुंशियारी से खाली आल्टो देख के आए हो? खाली आल्टो तो नहीं गई, हाली पहली बार आई हूँ। मेरा बादल त्यागी नेम है और मेरा मोटो व्लॉगिंग से चैनल है बादल त्यागी 1-2 से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मिल जाएगा दिल्ली। चलो जी अब यहाँ घूम लिया है, अब चलते हैं मुंशियारी की तरफ क्योंकि बारिश रुक चुकी है। और चलिए ये अगर आप आते ना फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली पूरी एंजॉय कर रही है। चलते हैं अब यहाँ से बाइक स्टार्ट करते हैं, मुंशियारी चलते हैं। चलिए नीचे मिलते हैं वापस हेलमेट में। एक साल के अंदर कितना कुछ चेंज हो जाता है। ये जब मैं आया था नहीं, ये उस टाइम कंस्ट्रक्शन चल रहा था और अब ये फाइनली बन के रेडी हो चुका है। और ये नीचे का व्यू, अब यहाँ से जल्दी बाइक पे चलते हैं और मुंशियारी में क्योंकि मेरे को स्टे भी लेना है, मुंशियारी में स्टे भी देखना है। पर थकान उतर गई यहाँ आके ना पूरा, पूरी थकान उतर गई। जय भोले बाबा। चाय भी पी ली थी अभी थोड़ी देर पहले, बारिश आ गई तो रुक गया था यहाँ, यहीं आके रुका मैं भी गीला भी हो गया हूँ। अब जल्दी से चलते हैं यहाँ से, एक डेढ़ घंटे की जर्नी रह गई है, मुंशियारी पहुँचते हैं, स्टे लेते हैं एंड रेस्ट करते हैं, कल चलते हैं खाली आल्टो। अब ये पूरा ऊपर है ना, इसके ऊपर जाना है कल हमें खाली आल्टो।